नौ एसपी मिक्सिंग के केस देखने हैं, तो बताओ कौन से मॉलिक्यूलों में एसपी मिक्सिंग नहीं होगी। अब मैं क्लियर कर देता हूं। आइए, एक बाबा ने एक कमाल किया था, उस बाबा की बात को हम दोहरा दें। अब तो हम ही बाबा हो चुके हैं इतना पढ़ने के बाद। बात यह थी, अगर एसपी मिक्सिंग नहीं करवानी तो सेंट्रल एटम लार्ज रहना चाहिए और लार्ज ही बना रहना चाहिए। पहली कंडीशन है सेंट्रल एटम लार्ज हो, और लार्ज का मतलब तीसरे पीरियड, थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड, या उससे आगे आने वाले पीरियड से हो। सेंट्रल एटम लार्ज हो, लार्ज और लार्ज ही बना रहे, बोलो बेटा, और लार्ज बना रहे। इसके लिए केवल लार्ज ही ना हो, वो अनकॉन्ट्रैक्टेड भी हो, और अनकॉन्ट्रैक्टेड तब होगा जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जब यहां जो जुड़े हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए और साइज भी कम होनी चाहिए। और ये ब्यूटी पूरी केमिस्ट्री में हर किसी को नहीं मिलती। मतलब जो साइड एटम है, सेंट्रल तो मैंने कह दिया, ये जो साइड एटम है, ये साइड एटम कैसे होने चाहिए, दो कंडीशन, स्मॉल होने चाहिए और साथ ही साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब लफड़ा हो गया, पीरियोडिक टेबल में जो स्मॉल है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज सेकंड पीरियड वाले स्मॉल है और वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में बहुत ज्यादा है, थर्ड पीरियड वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उनकी कम है पर वो लार्ज है। तो ये कॉम्बिनेशन किसमें मिलता है, ये कॉम्बिनेशन ले दे के एक ही एलिमेंट को भगवान ने दिया है, और उन एलिमेंटों के नाम है बेचारी हाइड्रोजन। मीन साइड एटम बेचारी हाइड्रोजन होनी चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लोन पेयर पक्का होना चाहिए। वहां सेंट्रल एटम पे एक बाबा होना चाहिए, बिना लोन पेयर के खेला ही नहीं होगा, सारा खेला लोन पेयर का ही था। इट मींस तीसरी कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ कहीं पे भी सेटिस्फाई हो गई, तो समझ लो उन मॉलिक्यूलों में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, और ऐसे मॉलिक्यूलों को बोलेंगे ड्रैगोज मॉलिक्यूल। यहीं से एक रूल निकलेगा, उसे बोलेंगे ड्रैगोज इंपेरिकल, हमने तो खुद ही ने बना लिया। अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलों के लिए क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम लार्ज होना चाहिए, और लार्ज बना रहे इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं होगा जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्मॉल से जुड़ेगा और उसका नाम हाइड्रोजन है, और प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये थी कमाल की कातिल बात, बेमिसाल स्टोरी थी ये, कमाल। ऐसे मॉलिक्यूलों को क्या कहते हैं, ऐसे मॉलिक्यूलों को हम ड्रैगोज मॉलिक्यूल कहते हैं। इन्हीं मॉलिक्यूलों को कहा जाता है ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स। दीज सच मॉलिक्यूल्स इन केमिस्ट्री आर ट्रीटेड एज ड्रैगोज मॉलिक्यूल। अच्छा, क्या कौन कौन से हैं जनाब, ये आओ जरा तलाश करते हैं। पीएस3 तो बहाना है, हमें तो पूरा एंटायर केमिस्ट्री में घूम जाना है। पीएस3 तो बस एक बहाना है, हमारा उद्देश्य तो पूरी केमिस्ट्री में घूम जाना है, पूरी में घूम जाना है। आइए घूम जाते हैं। हम जरा देखते हैं बोरोन फैमिली में क्या इसमें ऐसे कंपाउंड मिलेंगे। आशा ही मत करो, जीवन में मिल ही नहीं सकते कभी ही, बिकॉज लोन पेयर तो इनके खानदान ने भी नहीं देखा कभी। ये तो बेचारे अपनी जिंदगी में आठ पूरा करने के लिए लोगों के सामने कटोरा मांगने के अलावा और कोई काम नहीं है इनका, तो लोन पेयर और इनमें आहा, इनके तो पुरखों ने भी कभी लोन पेयर नहीं देखा, लोन पेयर नाम की चीज स्वाद ही नहीं चखा इन बिचारों ने कभी, तो इनसे तो बात ही मत करो बिचारों से। कार्बन परिवार से मिलो, क्या इसमें कोई ड्रैगो मॉलिक्यूल मिल सकता है क्या। कार्बन कहेगा नहीं भैया, हमने तो जैसे तैसे करके अपना आठ का जुगाड़ किया है, चार बॉन्ड बना के, लोन पेयर टोन पेयर नाम की चीज हमसे मत पूछ भाई, हमें लोन पेयर टोन पेयर होता नहीं है, हमारे पास लोन पेयर टोन पेयर नाम की चीज नहीं होती, आगे बढ़ जा। मैं नाइट्रोजन से मिलने गया, मैंने कहा तेरे ड्रैगो मिलेंगे क्या, कहती है मिलेंगे, मुझ में नहीं मिलेगा लेकिन मेरे से नीचे वालों में चले जा, उनमें मिल जाएगा, क्योंकि उन सब की साइज बड़ी है, मैं तो छोटा हूं, सेंट्रल एटम लार्ज चाहिए और बगल में जोड़ देनी है हाइड्रोजन। ओहो आहा आहा, कमाल ही हो गया, मिल गए भैया ड्रैगो मुझको, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। मैं ऑक्सीजन से मिलने गया,
मैंने पूछा बता ड्रैगो मिलेगा क्या मेरे को तेरे यहाँ, कहती है मैं तो छोटा हूँ, मेरे बड़े भाइयों से पूछ, इनसे बात कर ले, और बगल में क्या जोड़नी है, हाइड्रोजन ही जोड़नी है, बिकॉज लॉन पेयर तो इनमें रहते ही हैं, मिल गए ड्रैगो, आगे तो हेलोजन है, वो तो हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बनाती ही नहीं है, उनको तो छोड़ ही दो, मैं एक्साइटेशन में पढ़ा चुका हूँ, उनमें तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एमएच हेलोजनों में तो XH3 टाइप की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो चर्चा ही क्यों करनी, उनको तो छोड़ ही दीजिए, हेलोजनों में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैं पढ़ा चुका हूँ, एक्साइटेशन थ्योरी लेक्चर देख लीजिए, उसमें वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो चर्चा मत करो, ले दे के ये जो आपके सामने मौजूद है, ले दे के ये जो आपके सामने मौजूद है जिंदगी में, इन्हीं को बोलते हैं हम ड्रैगोज मॉलिक्यूल, इनमें वो सब कुछ है जो चाहिए हमको, इन दोनों फैमिलीज में कुछ नहीं मिलेगा, आगे कुछ है नहीं, ये दोनों परिवार के लोग आपको मिल गए, ले दे के ये वाली बात हमारे सामने आई, PH3 ASH3 SBH3 BIH3 ठीक है, H2S H2SE और H2TE, ये जो आपको दिख गए इन्हीं मॉलिक्यूलों को हम लोग कहा करते हैं ड्रैगोज मॉलिक्यूल, दीज आर बेसिकली ड्रैगोज मॉलिक्यूल, यही है ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स, इन सब में sp मिक्सिंग्स नहीं होती, ऑलमोस्ट 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 लगाना जरूरी है, थोड़ी बहुत होती होगी, ऑलमोस्ट नो sp मिक्सिंग, कोई sp मिक्सिंग्स नहीं होती, और अगर sp मिक्सिंग नहीं होगी तो p ऑर्बिटल 90 डिग्री पर रहेंगे, इसीलिए इनमें अप्रोक्स बॉन्ड एंगल, इनका जो बॉन्ड एंगल है इन सब में वो अप्रोक्स 90 डिग्री रहेगा, सब में बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 9, अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होंगे सारे के सारे, ये थी स्टोरी जनाब जो हमने पढ़ी ड्रैगोज से, कितने लोगों को ये ड्रैगोज वाली कहानी आर पार हो गई, आर पार हो गई, जरा बताइए।